सीट जीता, उसके बाद दुबाक का बैल इलेक्शन भी जीता, उन्होंने जीएचएमसी में कंफर्टेबल क्वेश्चन, क्या बीजेपी हाईकमांड ये मानते हैं कि साउथ में कर्नाटक के बाद तेलंगाना पोटेंशियल स्टेट है सत्ता में आने के? नहीं, बिल्कुल हम भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य विपक्ष की जगह ले चुकी है और अगले चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है और इसके लिए हमारा तो कार्यकर्ताओं का योगदान है, जनता का सपोर्ट है, मगर केसीआर का भी बहुत सपोर्ट है। जिस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं तो यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर तेजी से बढ़े। चलिए, आपका सुझाव आ गया है। देखिए भैया, मैंने आपके 25 मिनट बात करी, पोलराइजेशन की क्या बात करी, मैं तो कभी हिंदू मुस्लिम कुछ बोला ही नहीं, कोई बात नहीं करी। डरना नहीं चाहिए किसी से, चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए, अपने कामों पर लड़ना चाहिए। देश तो भैया 1947 में बटा था, उसके बाद बटा ही नहीं है, और किसने बांटा था आपको मालूम है, और बटता था तब तेलंगाना को कौन पाकिस्तान के साथ जोड़ने की बात करता था वो भी आपको मालूम है, इसका जवाब पहले ओबीसी दे। देखिए, मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर के अंदर मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा के माँ के चरणों में रखने के लिए गया हूँ, इसके कोई गलत अर्थ ना निकाले जाए। मैंने जो कहना था वो कह दिया ना भैया, मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर में माँ के दर्शन करने के लिए गया था, इसके और कोई निहितार्थ निकालने की जरूरत नहीं। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, कोई चुनाव को हम छोटा नहीं मानते हैं। कई चुनावों के अंदर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों में हिस्सा लिया है और हमारे लिए जनता जहां मैंडेट देती है वहां हमारी आइडियोलॉजी का, हमारे डेवलपमेंट के एजेंडा का और मोदी जी के विजन का प्रचार करना, ये हमारा अधिकार है और हम हैदराबाद के चुनाव को छोटा नहीं मानते। जो लोग गली का चुनाव मानते हैं वो कम से कम गली साफ करना भूल गए हैं, इसलिए उनको थोड़ी प्रॉब्लम है। गली साफ कर दी होती तो इनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम न होती। चलो, बहस नहीं कर सकते भैया, आपका जवाब आ गया भैया। एक ही पूछो, देखिए ऐसे इरिस्पॉन्सिबल आरोप मुख्यमंत्री की जगह पर बैठे हुए व्यक्ति ने नहीं दिखाने चाहिए। फोन टैपिंग का उनके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है तो मुझे शिकायत करनी चाहिए, हम तुरंत जांच करेंगे और सब पर कदम उठाएंगे। एक और, इतने दुबले व्यक्ति को हम मारने नहीं आए, चुनाव के लिए इनकी सोच क्या है? एक दूसरे को मारना होता है क्या? क्यों मारेंगे भाई हम आपको? भगवान 100 साल का करे, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम आपको मारने नहीं आए हैं, हम हैदराबाद की स्थिति सुधारने आए, क्योंकि आप घर के बाहर निकलते ही नहीं हो। वो ओवैसी जी के लिए क्या है? नहीं, मैं सवाल ही नहीं समझा।
हाँ तो सबका साथ सबका विकास है ही। हमने गैस सुनिए ना, हमने गैस के सिलेंडर दिए, ना हिंदू देखा ना मुसलमान, सबके यहाँ गए। शौचालय दिया, ना हिंदू देखा ना मुसलमान, सबके यहाँ गए। बिजली का कनेक्शन दिया, ना हिंदू देखा ना मुसलमान, सबके यहाँ गए। ना क्रिश्चियन देखा ना सिख देखा। तो सबका साथ सबका विकास है ही, इसमें कहाँ दुविधा है। चले ऐसे मामले यहाँ नहीं चर्चा होती हुई है। शत प्रतिशत स्कीमें इम्प्लीमेंट होगी और जो करप्शन बंद हो जाएगा, इससे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट भी काफी बढ़ जाएगा काम करने के लिए। अरे यार बाकी लोग छोड़ो छोड़ो, बाकी लोगों को ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नहीं, कोई डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, मगर मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है, वो किसानों के भले के लिए है। और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। राजनीतिक विरोध जिनको करना है वो कर सकते हैं, और केसीआर भी पूरे देश में घूमना है तो घूम ही सकते हैं। 19 में भी घूमे थे, अपने राज्य में स्थिति क्या हुई आपको मालूम ही है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं केसीआर की बात कर रहा हूं। मैंने किसानों के प्रोटेस्ट को कभी पॉलिटिकल नहीं कहा, ना कहना चाहता हूं। आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड केसीआर के लिए सवाल था, मैंने केसीआर के लिए जवाब दिया है। फनियर फनियर फनी एक मिनट फनियर नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये सार्वजनिक ट्रस्ट बना है उत्तराखंड सरकार ने, और इसमें अंत में तो थोड़ा स्टेबल होने के बाद जनता के प्रतिनिधि ही आने वाले हैं। हाँ पूछिए। देखिए ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको जिन्होंने कानून लाया वो जरूर देखेंगे और कोर्ट भी देखेगी। आप क्या पूछ रहे हैं? एक सेकंड भाई, एक सेकंड। देखिए केसीआर हमेशा ऐसे काम ऐसा करने का बहुत प्रयास किया। 19 में भी आपको याद होगा एक विमान किराए पर रखा था और लगभग लगभग 16 राज्य में गए थे, सीटें आधी हो गई। यहाँ ऐसी कॉन्फ्रेंस ममता जी ने भी करी थी वहां पर, याद होगा कलकत्ता में, सीटें उनकी भी आधी हो गई। अब आधी बची है, इसका क्या होगा वो देखो आगे। चलिए सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ఇంకా బ్రేకింగ్ న్యూస్ చేస్తున్నాము,
జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా హైదరాబాద్ కు వచ్చిన అమిత్ షాకు ఘన స్వాగతం లభించిందని తెలుపుతున్నారు. అయితే ఇదే నేపథ్యంలో భాగ్యనగర ప్రజల్లో బీజేపీ పట్ల మంచి ఆదరణ ఉందని, ఇక హైదరాబాద్ అభివృద్ధి మా బాధ్యత అన్నారు. ఇక రోడ్ షోకి ప్రజల నుంచి విశేష స్పందన వచ్చిందని ప్రజలకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఇక బీజేపీకి ఒక్కసారి అవకాశం ఇస్తే హైదరాబాద్ రూపురేఖలే మార్చేస్తామంటున్నారు. 100 రోజుల్లో నగరాన్ని మారుస్తానన్న కేసీఆర్ ఏమయ్యారు ఇప్పుడు అంటున్నారు. కరోనా సమయంలోనూ విదేశీ పెట్టుబడులు దేశానికి తగ్గలేదని చెప్పారు. అయితే హైదరాబాద్కు విదేశీ పెట్టుబడులు భారీగా దక్కాయన్నారు. ఇక మజ్లీస్తో కలిసి అనేక అక్రమాలు పెంచేశారన్నారు. అందుకే హైదరాబాద్లో చాలా భాగం వరదలు మునిగిపోయిందన్నారు. చిన్న వర్షం వస్తే చాలు హైదరాబాద్ మునిగిపోతుందంటున్నారు. అయితే ఇక 6 ఏళ్లలో 1 నెలను కూడా బాగు ఏం చేశారు, మరి ఏం చూసి టీఆర్ఎస్కి ఓటేయాలి అని అంటున్నారు. అయితే వరదలకు సీఎం కేసీఆర్ కనీసం అడుగు కూడా పెట్టలేదని ఈ సందర్భంగా ఆయన అంటున్నారు. ఇక జీహెచ్ఎంసీపై కాషాయ జెండా రెపరెపలాడుతోందని చెప్తున్నారు. మరిన్ని అప్డేట్స్ చూసే ముందు బుల్టెన్ షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం.